तो गाइज मैं आ तो गई हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे स्टार्ट करूँ। इस बेवकूफ को देखो, हमारे स्पॉट दादा को दिखा दो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज काफी मतलब बहुत दिन बाद मैं ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ब्लॉग वगैरह नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। सो अभी पूरा मतलब सब कुछ ठीक हो गया है तो अभी मैं दोबारा से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। इस मैंने सोचा आज मैं ना एक प्रैंक करती हूँ। वैसे मैं आज के यहाँ का वेदर दिखा दूँ तो ये रहा क्लेमेंट टाउन का वेदर। वहाँ पर मंदिर है और बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है। धूप वो लग रही है एकदम बढ़िया से। ठंडी भी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे देहरादून में। तो गाइज मैंने सोचा है आज मैं प्रैंक करूँगी कार्तिक के ऊपर। तो मैंने उसे फ़ोन करके बोल दिया है कि जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है, इंपॉर्टेंट बात है। तो वो बोलने लग गया कि क्या है क्या है। तो मैंने बोला मिलेंगे तो बात करेंगे। तो गाइज उससे ना ऐसे प्रैंक करूँगी, ऐसा डरा दूँगी कि मैं गुस्सा हूँ ये हूँ और करके। अभी देखते हैं क्या होता है, कहीं मेरा प्लान फेल ना हो जाए क्योंकि वो पकड़ लेता है। तो आइए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे शुगर भी है। शुगर शुगर सुगु हाय कर दे, हेलो कर दे। हेलो गाइस, अभी हमने शुगर का ना खाना पीना थोड़ा कम कर दिया है। इसकी वेट बढ़ रही है ज़्यादा, तो ज़्यादा वेट भी ओवर वेट अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए अभी इसका खाना पीना एक टाइम का बंद है, इसलिए गुस्सा तो नहीं है। यहाँ देख, यहाँ देख। तो गाइस अभी मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ। तो ये जो हमारी फुच्ची सी है ना, ये जो सीबो की बच्ची, तो इसको देना था बट मेरा मन नहीं कर रहा देने का अभी फ़िलहाल। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं ही रखूँगी। मतलब काफ़ी मुश्किल से मैंने मना धना के मम्मी मान गई है। अभी भी थोड़ा 50-50 है पर मैंने हम सारी फैमिली ने मिलकर ना इसका नाम बड़ा अनोखा सा रख दिया है। तो गाइस इसका जो नामकरण हुआ है, वैसे बहुत मुश्किल से नामकरण हुआ है इसका। अभी तक नाम ही नहीं रख रखा है हम लोग ने। 3 महीने से ऊपर हो गई है, अभी तक कोई नाम नहीं है। तो हमने सोचा है गाइस इसका नाम रखेंगे हम राजू। ए राजू। तो गाइस इसका नाम है राजू। तो आइडिया जो है इसका, जो राजू नाम का जो उत्पन्न हुआ है आइडिया, ये किया है गया है, ये नाम रखा है पायल ने। तो पायल ने इसका नाम रख दिया है राजू। तो हम सोच रहे आज से इसका नाम राजू, प्यार से हम इसको राजू बोलेंगे। वैसे तो इसका नाम हमने अभी सोचा नहीं है। मेगा से भी बात हुई थी तो मेगा बोल रही थी दीदी इसका नाम लियो ही रख दो, बट अभी कोई डिसाइडेड है नहीं। तो ये बेनाम है तो प्यार से राजू राजू गुड़कुड़ ऐसी बोलते हैं हम। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आज प्रैंक करेंगे कार्तिक पे, तो वो आने वाला है। तो थोड़ा सा डराने वाला पहले सीन कर देते हैं। तो मैं अभी उसे कॉल कर रही हूँ। हंसी आ रही है मुझे। हेलो हेलो, कहाँ पहुंचे तुम? मैं माता मंदिर वाली रोड पे पहुंच गया। अरे मुझे ना कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था वैसे। जल्दी आओ, फिर कुछ बात है, दिखानी भी है कुछ। आओ। नहीं आ जाओ, ऐसे कैसे दिखाओ, पहले सामने तो आओ फिर बात करते हैं। ठीक है ठीक है। तो गाइज मैंने ना ऐसे करके उसके मतलब दिमाग में वो सोच रहा होगा कि क्या बात है क्या बात है। तो जैसे आता है फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं प्रैंक। तो गाइज फाइनली मैं जा रही हूँ और कार्तिक भी आ गया है। तो आइए चलते हैं इसके साथ, थोड़ा बहुत प्रैंक करते हैं। वैसे मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं मैं शूट भी कैसे करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आइए चलते हैं। तो गाइज मैं आ तो गई हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैमरा कहाँ रखूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर भी मैं यहाँ ऐसे करके करूंगी तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं, लेट मी चेक। तो गाइस मैं इसको ना ऐसे लैंडस्केप में नहीं बना पाऊंगी। सबसे बड़ी रियल टाइम क्विज शो क्विज इंडिया मूवमेंट पर। आई एम रोनिक, रेड एफएम ट्यून इन करो फ्राइडे सुबह 9 बजे। और गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं कैसे बोलूं, मुझे तो हंसी आ रही है। अब बार बार मुझसे पूछ रहा है क्या बात है क्या बात है। अभी पूछते हैं। ये मेरा जगह है यहाँ रखने की। मेरा जगह है
कौन बोल रहे थे? सच में बोल रहा था कुछ और दिखाया भी था फोटो मुझको और क्या हंसी आ रही है आपको इतना सीरियस मैटर पे? पहले बताओ वो कौन कौन दिखा रहा है ये तो बताओ। मेरा कोई दोस्त है। तुम्हारा दोस्त? तुम्हारा दोस्त मेरी फोटो ऐसा क्यों? तो उसको पता है मेरे बारे में क्या दिखा रहा कि आप लौंडिया बाजी कर रहे मजाक नहीं कर रही। ऐसा कौन सा दोस्त है बताओ बुलाओ। हेलो, इतना इम्पोर्टेंट बात चल रहा है फोन में बात कर रहे हैं आप? मैं तो ये सोच रहा हूँ कौन है क्या दिखा रहा है क्या दिखा रहा था पहले बताओ। क्या बताऊँ बेटा हंस नहीं तो गाइस इसको ना मुल्लू बना नहीं सकते, इसके साथ प्रैंक नहीं कर सकते। अरे यार आप थोड़ी देर कंटिन्यू करना ज्यादा अच्छे से। अरे यार अब तो मेरा 5 मिनट का भी वीडियो नहीं निकलेगा। यार जब मैं गाड़ी में बैठा तुमने फोन रखा मेरे को पता चल गया मैंने कहा यार ऐसा प्रैंक करने वाली है। मैंने आपके साथ कभी प्रैंक ही नहीं किया आपको फिर भी पता कैसे चल गया? यही तो टैलेंट है मेरा। यार ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत मेहनत से स्क्रिप्ट यो मैन मैंने सोचा स्क्रिप्ट बनाऊंगी पहले मैंने साथ छोड़ना रियलिटी चेक होगा। मैंने आपको पहले ही पकड़ लिया था, पहले कब पकड़ा था बताता हूँ। फोन में आपने बोला जल्दी आओ मुझे कुछ बात करनी है मुझे कुछ दिखाना भी। मैं आज तो ये करेगी मेरे साथ प्रैंक और मैं सोचता हूँ आराम नहीं कर कोई वीडियो तो बनाई नहीं आज तक, अब आज ये प्रैंक की वीडियो बनाएगी तब वो डालेगी। हेलो गाइस मेरा पोपट हो चुका है, मुझे लगा कि मेरा आज प्रैंक वाला सक्सेसफुल हो जाएगा बट अफसोस नहीं होगा थोड़ा सा। यार आपको जब पता भी ना तो एक्टिंग ही कर लेते। मैंने बहुत एक्टिंग करने की कोशिश करी पर मेरे से एक्टिंग हुई नहीं, हंसी आ रही मुझे बार बार। बस कुछ बनाने के लिए नहीं था, मैंने सोचा इसी को बेवकूफ बना देती हूँ बट क्या इसने उल्टा मेरा बेवकूफ बना दिया। तो अभी हम जा रहे हैं मेरा कुछ सामान लेने के लिए क्योंकि जैसे कि आपको पता है शादी का सीजन स्टार्ट हो गया, तो गाइज मेरा बुकिंग भी स्टार्ट हो चुका है तो उसी के लिए मैं सामान लेने जा रही हूँ। थोड़ा बहुत सामान रह गया था जैसे कि लैसेस लेंसेस ये वगैरह, तो अभी चलते हैं। और जो मेरी नेक्स्ट ब्राइड है जो मतलब इस साल की जो पहली ब्राइड है उसका मैं जल्दी आपको वीडियो भी अपलोड करूंगी और लुक भी आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड तब तक के लिए और अभी चलते हैं। तो गाइस मैंने सारा सामान ले लिया है और काफी हैवी बिल बन गया है तो अभी मैं जा रही हूँ लेंसेज लेने क्योंकि वहाँ लेंसेज था नहीं, तो कोई आंखों की दुकान में जाएंगे वहाँ से लेंगे। हम आ चुके हैं lenscart.com में, तो यहाँ पे देखेंगे लेंस है कि नहीं है। गाइस यहाँ पे मिला नहीं, बोल रहे कि ऑर्डर में आएगा बट हमें तो अभी चाहिए तो अभी देखते हैं कहीं और जाके। तो गाइस मैंने ना आज रील डाला था तो कार्तिक से रील का वो रिएक्शन देखते हैं कैसा लगेगा इनको क्योंकि इन्होंने देखा नहीं है अभी तक। ठीक है, आर यू रेडी? लेट्स सी। ओके ओके वेट। अब बताओ That was a perfect performance by Alisha Thapa. अरे यार ऐसा फेंक फेंक मत बोलो, अच्छे से बताओ। नहीं बहुत अच्छा, कहाँ से सीखा अपने वाला गाना? वैसे एक बात पूछनी है, गढ़वाली गाने कहाँ से सीख रहे हो तुम? ऐसे ट्रेंडिंग गढ़वाली गाने तुम्हें कहाँ से मिल रहे हैं? मुझे तो अभी तक मिले नहीं। रील नहीं देखते हैं, मेरा काम ही है 24 घंटे रील स्क्रॉल करते रहना है तो मैं करती रहती हूँ तो मुझे मिल गया था। तो बताओ अच्छे से कि कैसा लग रहा डांस? अच्छा लग रहा, बढ़िया। कोरियोग्राफ्ड बाय योरसेल्फ बट नो नॉट माय, ये पहले से चल रहा है कोरियोग्राफी। अच्छा, बस मैंने टेपा है। यस कॉपीकैट कॉपीकैट नहीं, मैंने अगर जो ट्रेंड होगा वही करूंगी।
तो गाइज हमें मोमो खाने की बहुत क्रेविंग हुई थी और हम इतने ज्यादा, हमें इतना हिम्मत है ना कि हम वहाँ घंटा घर से यहाँ इंदापुरी फार्म मोमो खाने आए हैं। बताओ ये कब से ये जूझ रहे हैं चलाते चलाते। एक तो हिंदी भी माशाल्लाह मेरे को समझ नहीं आता। मैं बोल रही हूँ कि इनको गाड़ी चलाते चलाते परेशान हो गए, इनको अभी तक दुकान नहीं आ रही। हाँ वो शायद, हाँ ये राणा। तो गाइज फाइनली वी आर इन राणा रेस्टोरेंट, राणा रेस्टोरेंट, राणा मोमो खाने, राणा क्या बोलो उसको, राणा फैमिली शॉप आ चुके हैं हम मोमो खाने के लिए। तो कार्तिक, राणा फैमिली शॉप थोड़ी होगी, मोमो की दुकान है, मतलब हाँ दुकान। तो कार्तिक बहुत परेशान हो गया था कि दुकान आ क्यों नहीं रही, आ क्यों नहीं रही। तो फाइनली दुकान इज हियर। ऑल्सो गो एंड लाओ जरा, तीन चार प्लेट खाऊंगी तुमको तो मिलेगी नहीं। मैं तो तीन खाऊंगी, तीन प्लेट। इस बेवकूफ को देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वी हैव नया बोतल कोल्ड ड्रिंक, और ये देखो क्या करना क्या चाहते थे, भूल गए थे क्या, याद ही नहीं था मुझे। चल लाओ यार, चीयर्स कर लेते हैं, आ जाओ थोड़ा प्यार से करो, ठीक है। वैसे कोल्ड ड्रिंक इसी पीने में मजा आता ना। मोमोज आने वाले हमारे हैं, कैसे खाओगे अभी दूसरा वाला कैसे खाओगे मोमोज? अभी क्या कर रहे थे आपको नहीं बताता। फाइनली गाइस मोमोज इज योर, मतलब मोमो आज जैसे आएगा गाना में वैसे ही बजेगा भयंकर। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, मिलते हैं, बाय बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बाय। पागल हो गया, बाय। अरे रंगीन बन के क्या। तो गाइस फाइनली मैं घर आ जा चुकी हूँ, मतलब घर जा रही हूँ, मेरा घर वो रहा और मैंने इतने सारे सामान भी ले लिया है। तो कल के लिए पैकिंग करते हैं घर जाके। Hey sugar, hey ये। हेलो आंटी। तो गाइस हमारे घर में आंटी आ रखी है, हाय बोलो। तो ये राजू और राजू की माँ को तो देखो, इसको शुगर को, शुगर हट, राजू को देखने थे, राजू, ए राजू, हाय राजू, बड़े बदतमीज है, देख भी नहीं, अभी तक दूध खाता साला, दूध खाता है। सो गाइज मैं घर आ चुकी थी और मैंने चेंज भी कर लिया है, और अभी मेरा मतलब डिलीवरी का एक सामान आना बाकी था तो आ गया है। तो फाइनली मुझे ये रिसीव हो गया है। मुझे टेंशन हो रहा था कि ये कल तक पहुंचेगा कि नहीं, क्योंकि ये है मेन लिपस्टिक जो मतलब कहीं भी नहीं मिल रहा था, ये लिपस्टिक जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कौन सा लिपस्टिक यूज़ करते हो। तो गाइज ये वही है, बस मेरी किस्मत अच्छी हो कि वही निकले, कहीं नंबर अलग निकल गया तो वही बहुत पोपट हो जाएगा। तो आइए खोलते इसको, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, और गाइज हमारे स्पॉट दादा को दिखा दो फटाफट, स्पॉट दादा को दिखा दो। तो हमारे साथ है पायल, जो है जिसने हमारे सीबो के बच्चे का नामकरण किया है, ये नंबर राजू। तो राजू नाम इन्होंने रखा है। तो आइए घर पर अनबॉक्सिंग करते हैं। राजू, राजू की माँ घूम रही है, कैसे खोलू, साइड से खोलो। अरे अनबॉक्सिंग ऐसे नहीं करनी थी गाइस, इसको डब्बा खोलना सिखा देना जरा, बहुत डर लग रहा है। क्या है ये इतने बड़े डब्बे में, ये तो सच है यार, कौन सा है, फोर हाँ तो ये वो शेड नहीं है यार, क्या करो, किस्मत खराब यार, खोल के तो देखो, डर लग रहा है। तो गाइस फाइनली मुझे ये शेड मिल गया है, ये तो काफी लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपका लिपस्टिक बता दो बता दो। तो गाइस यही है वो लिपस्टिक, सैम्बोर का 485, शेड नंबर 485। तो जिसको चाहिए वो ये ले सकता है, वैसे ऑन स्टोर ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, नायका में बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। तो ये तो कल मेरी बुकिंग है, तो मैं
काफी टेंशन ले रही थी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट फाइनली ये आज ही रिसीव हुआ मुझे, तो कल बुकिंग के लिए ऑन। तो हमारे गेस्ट भी जा चुके हैं, तो अब गाइज मैं ये ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो क्या करने का, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा वो ब्राइडल के ऊपर होगा, पूरा सीजन ब्राइडल के ऊपर जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड।